एक इताद बना है कल या बनवाया गया है, नवाज शरीफ, नून लीग और एमकेएम ने मिलकर कराची में पीपल्स पार्टी का मुकाबले की तैयारी की है। और दूसरा सवाल ये है, आपने गुज़श्ता दिनों बात कही कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो नून लीग वालों ने कहा या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जिससे बिलावल साहब का रابطہ है, वो इसी तरह ऐसी बातें? हमारा रابطہ अवाम से है, उनका रابطہ किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको हरवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और इंशाल्लाह ताला हम फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको हरवाया जाएगा। यार आप उनसे पूछे, मुझे इस इत्तेहाद का नुकसान MQM को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, आप चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ अभी पिछले 1.25 साल उनके साथ रहे, अब वो खुद को एक जमहूरी जमात भी कहती है, लेकिन तासुर ये है कि वो इन आम इंतखाबात को में देर चाहती है, वो नहीं चाहते कि 18 फरवरी को 8 फरवरी को जो है वो इंतखाब हो जाए। तो एक बड़ी सियासी जमात आखिर इंतखाब से क्यों भाग रही है? आप तो उनके वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी रहे हो, वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोई इलेक्शन से आप नहीं भाग सकेगा, और जस्टिस फायज ईसा ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस होंगे फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। जहाँ तक हमारा इत्तेहाद की बात है या साथ मिल के चलने की बात है, जब तक उनका बयानिया वोट का इज्जत का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज्जत का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। यार अदम एतमाद को आप रिजीम चेंज कहते हो, रिजीम चेंज को अगर आपने देखना है तो आप लीबिया को देखे, आप इराक को देखे, आप नाकाम कोशिश जो सीरिया में हो रहे हैं वो देखे। हमारा अदम एतमाद जो जमहूरी तरीके से वजीर आजम को निकाला जाए उसको आप इस लफ्ज से ना पुकारे। आप बिलावल साहब ये फरमा दीजिए कि पीडीएम का वजूद रहा है या खत्म हो गया, एक सवाल तो ये था। दूसरा ये कि आप पीडीएम का हिस्सा भी थे एक जमाने में, जो हाँ एक जमाने बहुत पुरानी बात हुई है, तो मतलब आप अब एक दूसरे पर तनकीद करके क्या उस इरा से जान छुड़ाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो एक तो हम बिला वजह तो तनकीद नहीं कर रहे, अगर कोई आइन के हद से हद के बात करता है या जमहूरियत के हद के बात करते हैं या अब मुआशी उनका पॉलिसी और मेरा पॉलिसी में फ़र्क हो, तो उसका ये नहीं मतलब कि हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, जायज़ तनकीद कर रहे हैं, वो तो हर किसी का हक है। जहाँ तक PDM की बात है, हमने PDM का बुनियाद रखा, अब फिर अपोजिशन में जब खान साहब वज़ीर आज़म था हमने उस वक्त PDM छोड़ा था और उसके बाद वापस तो नहीं गए हैं। तो PDM के हवाले से या PDM के लिहाज से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछें। चेयरमैन साहब, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, तो लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मतलब ये है कि आप लाडला प्लस नहीं बन पा रहे? नहीं, हमारा तो हमने कभी ये नहीं सिफारिश की कि हमें सिलेक्ट करें, हमने इतना ही कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। ये आज का नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का बहुत ही पुराना मुतालबा है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा भी होती थी कि हमें बस लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिलवा दे और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। कामरान जी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा? मेरे ख्याल में कुछ तो उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, जो भागिए वो तो नहीं लेंगे। सलाम जी, बिलावल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना साहब जो एक शिकवा करते नज़र आते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, हमें जो है वो ये हुकूमत की तरफ ले गए थे, उसके बाद वो आप ज़बरदस्ती उन्हें लेके गए थे, क्या जख्म दिया आपने उनको जो हर बार ये बात दोहराते हैं? मुझे अब मेरा ख्याल नहीं आप ये सवाल मौलाना साहब से पूछे। हम ज़बरदस्ती किसी को हुकूमत में नहीं लेके जा सकते थे, हमने ज़बरदस्ती शहबाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना ही हमने ज़बरदस्ती
किसी को किसी और वजारत दिलवाए थे, अगर उस वक्त वो हमारे साथ वोट ना करते, अगर वो अदम एतमाद में साथ नहीं देते, हाउस टूटता और उसी वक्त इलेक्शन हो जाता। हुकूमत के दौरान किसी भी वक्त अगर कोई किसी में ये शौक था कि इलेक्शंस करवाने थे तो तब भी छोड़ सकते थे, इलेक्शंस करवा सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है, इलेक्शंस लड़ने का शौक तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। हम चाहे वो बाय इलेक्शंस थे, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस थे, चाहे वो पंजाब केपी का सूबाई इलेक्शंस थे, और आखिर चाहे वो जनरल इलेक्शंस थे, तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ यही होता था कि इलेक्शंस करो, हमने तो इलेक्शंस लड़ने हैं। दूसरे के मौकिफ शायद उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। अजीम लास्ट क्वेश्चन। एक बार फिर मुल्क में 90 की दिहाई वाली बातें हो रही है कि इत्तेहाद बनाया जाए, और जिस तरह से इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद बनाया गया था वो इत्तेहाद भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था, और अब भी यही कोशिश की जा रही है, कितना असर पड़ता है वोट बैंक में और आपके स्ट्रगल में? मेरा ख्याल में कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं, जो खुद ब खुद बनते हैं, वो अच्छे तरीके से सियासत भी कर सकते हैं, वो अपने वोट बैंक्स को भी साथ मिला सकते हैं, इसलिए वो कोई कंसेंसस सियासी सोच का बना के साथ मिलते हैं। जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो फिर वो जो इत्तेहाद में मौजूद है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होते हैं, और फिर वो जो वो इत्तेहाद बनाते हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा होते हैं।